हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिंस। मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है D3 Must Oral Drop। D3 Must Oral Drop के मैं आपको यूज़, डोज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट सब कुछ बताऊंगा। आप बने रहिए इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर लो लाइक, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा मेडिसिन से रिलेटिव जानकारी इस चैनल पे लेके आता हूँ। तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। D3 Must Oral Drop एक एलोपैथिक दवा है जिसे विटामिन D3 ड्रॉप भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल नवजात शिशुओं में हड्डियों की सही संरचना के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और किन किन कंडीशन में ये यूज़ किया जाता है मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं इसकी पैकेजिंग, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। D3 Must Oral Drop ये 15 ml की पैकिंग में आता है और इसका प्राइस होता है लगभग 39 रुपीज़। और इसे कंपनी बनाती है मैनकाइंड फार्मा और इसमें कॉम्पोजिशन होता है विटामिन D3 कोले कैल्सीफिरोल 400 IU। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ किन किन कंडीशन में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो बच्चे नवजात शिशु होते हैं उनमें ये हड्डियों की संरचना के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पोषण तत्वों की कमी में इसे इस्तेमाल किया जाता है और हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इसे इस्तेमाल करने का तरीका यानी इसके डोज। दोस्तों इस ड्रॉप का इस्तेमाल 4 बूंद 24 घंटे के अंदर एक बार दिया जाता है, यानी आप हर रोज़ 4 बूंद आप सोने से पहले दे सकते हो। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करना चाहते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट हमें मालूम होने चाहिए, साथ साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं इसके फ़ायदे। दोस्तों जब बच्चा पैदा होता है तो उस कंडीशन में इसे चलाया जाता है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनकी जो बोन्स हैं वो धीरे धीरे बनती हैं, तो उनकी संरचना को अच्छी तरीके से करने के लिए ये ड्रॉप दिया जाता है ताकि उनमें विटामिन डी की कमी ना हो और बच्चों में पोषण तत्वों की कमी ना हो, इसलिए इसे दिया जाता है। साथ साथ ये शरीर में जो है हड्डियों को मजबूत करता है। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट। अगर आप अपने बच्चे को ये ड्रॉप पिलाते हो और बच्चा उल्टी कर देता है तो समझ लीजिए ये सूट नहीं हो रहा बच्चे को, या फिर बच्चे का पेट टाइट रहता है, बहुत ज़्यादा पेट फूला रहता है, तो भी आप समझ सकते हो कि बच्चे को ये सूट नहीं हो रहा, या फिर बच्चे को बार बार रोना आ रहा है, वो बार बार रो रहा है, तो भी आप समझ सकते हो कि बच्चे को ये सूट नहीं हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं। कोई भी दवाई यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई यूज़ ना करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। शॉर्ट वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका समय बचा सकूँ और आसान भाषा में वीडियो लाता हूँ ताकि सब तक पहुँच सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।